So under this chapter, PGDP 1, we have two types of practical questions. दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको. पहली टाइप प्लस वन वाला पीएनएल अकाउंट बना के दिया होगा. कैसे दिया होगा? We have some amount of gross profit. We have 6-7 incomes. We have expenses, approximate 20 expenses, and then क्या गिवन होगा आपको? नेट प्रॉफिट. ठीक है. और उसके बाद कुछ नीचे क्या दी होगी? एडजस्ट. यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि हम अकाउंट्स में नहीं बढ़ रहे, हम टैक्स कर रहे हैं. तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिएगा कि उसके दो इफेक्ट्स होंगे हर बार. ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि दो इफेक्ट्स होंगे. ठीक है. अब ये जो पीएनएल दिया है, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं बनाया, किसी मैनेजमेंट के बंदे ने बना लिया. सपोज श्रेय ने बना लिया, उसको बस इतना पता है कि इनकम्स को क्रेडिट साइड डालना है और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड डालना है. बट जब ये रिपोर्ट हमारे ऑडिटर या सीए के पास जाएगी तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स ढूंढ देगा. ये चीज आपने पीएनएल में क्यों डाल दी, ये चीज का खर्चा आपने कितना क्यों शो कर दिया. तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इस टाइम पे आपके पास एक पीएनएल बना बनाया आया. जो खर्चे माइनस किए हुए, खर्चे माइनस होते हैं, जो एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया श्रेय ने, हम उन्हें एक्सपेंसेस को जो नहीं करने चाहिए थे लेकिन उसने माइनस कर दिए. दोबारा सुनो, जो खर्चे माइनस नहीं करने चाहिए थे लेकिन उसने माइनस कर दिए, हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? हम उसको एड बैक करते. वेरी गुड. चलिए, आया समझ में? जो इनकम्स उसने उसमें ऐड कर दी. मैंने क्यों बोला इनकम ऐड कर दी? क्योंकि इनकम क्या होती है? ऐड होती है, जीती है. जो इनकम उसने ऐड कर दी लेकिन नहीं होनी चाहिए इस हेड में, वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो फॉर्मेट क्या बन गया क्वेश्चन करने का? यू विल स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट. आपको आपके नेट प्रॉफिट से शुरू होना है. उसमें ऐड कर लिया एक्सपेंसेस डिसअलाउड. अब यहां पे डिसअलाउड का मतलब क्या है गुरी? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ये नहीं डाल सकते आप पीएनएल, उसने डाले हुए थे मतलब उसने माइनस कर दिया, हम उसको वापस से क्या कर देंगे? ऐड. माइनस क्या करेंगे हम? डिसअलाउड इनकम्स. जो इनकम टैक्स बोलता है कि ये तो पीजीबीपी की इनकम ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां डाल रखा है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, गिफ्ट, लॉटरी इनकम, टीडीएस. चलो ये टीडीएस तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बैंक इंटरेस्ट, उस पर टीडीएस कटता है तो मेरे मुंह से टीडीएस निकल गया. एनीहाउ, अब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज हाउस प्रॉपर्टी, ये सर क्या हमें उसको बिजनेस इनकम में डालना चाहिए? नहीं. गिफ्ट, लॉटरी एंड बैंक इंटरेस्ट, ये तीनों मेरी अदर सोर्सेस की इनकम. अब तुम्हें लगेगा बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्सेस की इनकम, चलो लॉटरी और वो तो माना गिफ्ट अदर सोर्सेस में चला गया. बेटा जो तुम्हारे पैसे चाहे बिजनेस के हैं, तुमने बैंक में रखे हैं, उस पे तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है फ्री में बैठे हुए, तो तुम्हारी बिजनेस इनकम बन जाएगी? नो. वो तुम्हारी कौन सी इनकम बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर्स. पांच हेड्स है हमारे पास.
पहला हेड सैलरीज पढ़ लिया, दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया, तीसरा शुरू हुआ है, चौथा कैपिटल गेन्स और पांचवा अदर सोर्सेस। तो कोई भी पांच चार हेड्स जो रह गए उनमें से कोई भी इनकम अगर आपको मिलती है वो आप इसमें डाल के बैठे हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको थप्पड़ लगाएगा कि ये क्या तरीका है, मेरे लिए काम बढ़ा दिया तुमने। तो इस टाइम पे आपकी सोच क्या होनी चाहिए, सीए की तरह सोचना है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलाउ करेगा। आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेस की इनकम, कैपिटल गेन्स की इनकम डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। तो जो श्रेय ने डाल दी थी गलती से, उसने ऐड कर दी थी, हम उसको क्या कर देंगे, इसको हम बोलेंगे डिसअलाउड इनकम्स। क्या बोलेंगे, डिसअलाउड इनकम्स। आगे चले, अब कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन। अब उस एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट दे दिया डेप्रिसिएशन, इतनी लगनी चाहिए थी। यहां पे भी आपको डेप्रिसिएशन गिवन हुई थी, मान लो यहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 20,000 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करी वो आ गया 25,000। अब क्या करेगा श्रेय, उसने 20,000 माइनस कर दी, माइनस होनी कितनी चाहिए थी, तो 5,000 और क्या कर देंगे माइनस। अब कई बच्चों से गलती हो जाती है, अगर मैं 25 यहाँ लिख दूं 20 यहाँ लिख दूं तो वो ऐड में चला जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जो ये वाली डेप्रिसिएशन है इसको ऐड बैक कर दो और ये वाली डेप्रिसिएशन न्यू डेप्रिसिएशन को पूरा का पूरा क्या कर दो माइनस। समझ गए। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट कहता है हमने गुड्स खरीदे थे 20,000 के, वो रिकॉर्डिंग जो खर्चा हमारे बिजनेस का है और हमने रिकॉर्ड नहीं किया वो माइनस होना चाहिए था बट श्रेय ने माइनस, तो अब क्या हो जाएगा वो माइनस। यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो फॉर्मूले में अगला जो हमारा टॉपिक बना है वो बनेगा माइनस अलाउड एक्सपेंसेस which were not accounted for, जो खर्चे माइनस होने चाहिए लेकिन तुमने माइनस नहीं किए, अब इस टाइम पे आके वो क्या कर दो माइनस। एग्जाम्पल और देता हूँ, तुमने रेंट पे किया लेकिन वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो रेंट इज एन एक्सपेंस ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर बिजनेस, जो पीएनएल में डलना चाहिए था बट श्रेय उस टाइम कॉफी पीने चला गया, वो भूल गया रेंट डालना, तो अब आपको वो रेंट क्या करना पड़ेगा वहां से माइनस। कॉमन सेंस, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस बट योर सेंस शुड नॉट बी लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंटेंट, इट शुड बी लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली देन यू विल सक्सीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सोच बड़ी कर देता। उसके बाद कोई इनकम थी बिजनेस की, श्रेय ने वो यहां ऐड नहीं की, जो इनकम थ्री श्रेय ने ऐड नहीं की, तो अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्या बन गई लाइन, अलाउड इनकम विच वर नॉट अकाउंटेड फॉर। अब जो फाइनल आंसर आएगा That is net profit according to Income Tax Act 1960। इसके ऊपर क्या लगा दोगे टैक्स। सो दिस इज वैरायटी वन, ये उसका फॉर्मूला बन गया। कहां से शुरू करना है क्वेश्चन को, नेट प्रॉफिट। एक एक खर्चे पे देखना है, जो 20 खर्चे हमें गिवन है क्या ये डालना चाहिए आपको पीएम, जो डालना चाहिए इग्नोर, सैलरीज पे टू द एम्प्लॉइज डालना चाहिए, इग्नोर कर दो उसको, डाल दिया उसने। समझ आ रही है मेरी बातें। जनरल एक्सपेंसेस डालने चाहिए, स्टेशनरी प्रिंटिंग डालने चाहिए, परचेज ऑफ गुड्स डालने चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज डालने चाहिए, जो तुम्हें लग रहा है ना ये नहीं डालना चाहिए, मुझे खटक रहा है
उसको सर्कल करो, उस सर्कल में फिर पोस्टमार्टम करके देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके बारे में क्या सोचता होगा। श्रेणी डाल दिया यहां, लैंड परचेज 5 लाख। लैंड क्या है हमारी, हम बना क्या रहे हैं, कभी पीएनएल में ऐसे आती है? तो उसने जानबूझ के डाल दिया अपना खर्चा बढ़ा के शो करने के लिए ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो ये जो मेरे को खटके गए यहाँ पे 5 लाख का लैंड परचेज पीएनएल में डाला हुआ है, जेल हो सकती है उस बंदे को 5 टाइम्स या 7.5 टाइम्स, उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है इस बात को। सोच समझ के पीएनएल बनाना चाहिए। तो ये जो 5 लाख इसने माइनस कर दिया, हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। फटाफट से फॉर्मूला लिख लो, फिर अगली वैरायटी बताओ, अगली वैरायटी क्या है, जल्दी से। लेट्स मूव फर्दर टू वैरायटी नंबर 2। वैरायटी 2 में क्या होगा, आपको क्वेश्चन किसका दिवन होगा, प्रोफेशनल्स जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, सॉलिसिटर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, जिनके पास भी स्किल्स है, प्रोफेशनल नॉलेज है, वो प्रोफेशनल। उनका क्वेश्चन करने का तरीका टोटली डिफरेंट रहेगा। उनको आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करोगे, उनको आप कहां से स्टार्ट करोगे, एक बॉक्स बनाओगे अपनी कॉपी पे, उसमें लिखोगे बिजनेस इनकम्स, उन सबको ऐड कर दो टोटल इनकम, लेस बिजनेस एक्सपेंसेस, उन सबको माइनस कर दो, यू विल गेट नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1960। और उसके ऊपर क्या लगा दोगे, टैक्स। अब यहाँ पे कौन सी मैंने इनकम ली है, देखो हम डॉक्टर का पढ़ रहे हैं, सपोज पी एंड एल अकाउंट, प्रिस्क्रिप्शन फीस है उसकी इनकम, सेल ऑफ मेडिसिन है उसकी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, ये डाला हुआ उसने बिजनेस इनकम। इन दोनों में से कौन सी है, सिर्फ फर्स्ट टू, तो बस इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। क्लियर, इसको क्या कर देना है इस केस में, इग्नोर। वहां पे हमने पिछले वाले केस में इसको हमने माइनस किया, यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर। तो प्रोफेशनल्स की केस में आपने सिर्फ बिजनेस के खर्चे और बिजनेस की इनकम जो है, एग्जाम्पल बिजनेस की खर्चे अब इस डॉक्टर के क्या आएंगे, सैलरी टू स्टाफ, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तीन खर्चे मान लो गिवन है आपको, तो ये तीनों यहाँ पे माइनस हो जाएंगे आपका। तो दिस इज वेरी इजी वैरायटी नंबर 2, जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम शुरू करें प्रैक्टिकल पोर्शन इसका। Illustration number 12, Raju and Company, page number is 2.65. जैसे जैसे क्वेश्चन में पॉइंट्स आते जाएंगे, कॉपीज पे नोट्स बनाते जाना उस चीज, ठीक है, तो एक नए पेज पे लिख लेना नोट्स। नोट नंबर 1, ये बड़ा कॉमन सा नोट है, तो मैं बता देता हूँ। गुरलीन से पूछते हैं मैंने, गुरलीन स्टैंड अप। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट की थी 3-4 साल पहले रिगार्डिंग कैश पेमेंट्स फॉर एनीवन इन दिस कंट्री, क्या थी वो? चलो मैं हिंट दे देता हूँ कि इतने से ज्यादा आप किसी बंदे को कैश नहीं दे सकते, आपको यह चेक देना पड़ेगा या ऑनलाइन पेमेंट, ये अमेंडमेंट है। वो अमाउंट बता दो क्या, 20,000।
श्योर हो गए? नॉट श्योर. साहिल, विधि, संदीप कौर, 1 lakh. शाबाश. नेक्स्ट, 30,000. नेक्स्ट, 15,000. फिर हम मीन द करेक्ट आंसर वाज 20,000 रुपीस. एंड नाउ इट इज अगेन अमेंडेड टू 10,000 रुपीस. वेरी गुड. तो पहले जब ये अमेंडमेंट आई थी वाज 20,000. 20,000 से ऊपर आप कभी भी कैश में पेमेंट मत करना. लेकिन अब ये हटके घटके कितनी हो गई है? 10,000. मतलब अगर आपको P&L अकाउंट के अंदर मैं यहाँ लिख दूँ सैलरीज 22,000 और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने पेड इन कैश, तो ये नकली है. ये आपने जान बूझ के दिखाया है ताकि आप अपना टैक्स इवेड करो. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को माइनस नहीं करने, वो क्या कहता है, पे करनी है सैलरी, करो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चेक्स या उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा. अब कई लोगों को लगेगा 12,000 डिसअलाउ कर दो, 22 में से 10 तो अलाउड था. नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज फुल अमाउंट डिसअलाउ. फुल अमाउंट डिसअलाउ का मतलब उसने जब ये घोषणा कर दी कि 10,000 से ऊपर आपने कैश में पेमेंट करनी ही नहीं है, तुमने करने की जरूरत कैसे, तो ये पूरा का पूरा 22,000 जो तुम P&L में डेबिट साइड पे माइनस करके बैठे हो उसको ऐड कर दो. लिखो तुम अपने अपनी लैंग्वेज में, एनी एक्सपेंस विच इज मोर देन 10,000 should not be paid in cash, should not be paid in cash. The whole amount shall be disallowed. The whole amount shall be disallowed. Note number 2. आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जीएसटी पे 20,000, नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया, यहां पे लिख दी डेट पेड ऑन सेप्टेंबर 30th. एडजस्टमेंट कहती है जीएसटी की ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी भी लगी होगी 5,000 की, क्योंकि आपने पे कब किया है, सितंबर में, करना कब था, तो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे वो भी, उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे आपसे. आपने ये सोचा बिजनेस का खर्चा है मेरा, डाल दो P&L में. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोले, कुछ सोचो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या गवर्नमेंट इन दोनों को P&L में डालने देगी? क्यों? गलती उसकी थी क्योंकि उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो इनकम टैक्स क्या कहेगा, अब भी ना वो तुम्हारे में जागरूकता फैला रहा है कि अपने टैक्सेस टाइम पे पे करना सीखो. तुम तो ऐसे और कोई डिले कर दोगे सारे इंटरेस्ट ही डालते जाओगे टैक्स बचाने के लिए. नो, पूरा का पूरा 25,000 में कहेगा एड बैक इन प्रॉफिट्स, ताकि तुम्हें ये गलतियों से अपनी याद रही चीजें और अगली बारी तुम टैक्स को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस दो और टाइम पे ही उसको पेमेंट कर दो. तो क्या रूल निकला, अगर कोई टैक्स ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले पे कर दिया है तो वो अलाउड है, तब वो P&L में जा सकता है.
लेकिन अगर वो ड्यू डेट के बाद पे होता है तब वो आप पीएनएल में नहीं डाल सकते, इट विल बिकम डिसअलाउड एक्सपेंस। एक सिंपल सी लाइन लिख लेना, इफ एनी टैक्स इज पेड आफ्टर ड्यू डेट इट इज डिसअलाउड, एनी टैक्स इज पेड आफ्टर ड्यू डेट इट इज डिसअलाउड। थर्ड नोट, डेप्रिसिएशन, ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया क्या था, ऊपर वाली को ऐड बैक, नीचे वाली को माइनस, लिख लो ऐसे लिख लेना, ऊपर वाली को ऐड बैक, नीचे वाली को माइनस। ऊपर वाली मींस पीएनएल के अंदर जो है, नीचे वाली मींस जो एडजस्टमेंट में है। चलो बहुत हो गए नोट्स, पहले रजिस्ट्रेशन पहल देखते हैं। राजू एंड कंपनी, अब देखो ये राजू एंड कंपनी है, कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, हमें बताया नहीं, वो डॉक्टर है लॉयर है, तो इसको हम वैरायटी वन से सॉल्व करेंगे, मतलब वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ठीक है, पहले हम देखते हैं उसके पी एंड एल को, एक नजर मारते हैं, अपने आप सर्कल करो जो तुम्हें चीजें लग रही है नहीं जानी चाहिए पी एंड एल अकाउंट। 2 मिनट्स में फटाफट से सर्कल करके बताओ जो चीजें तुम्हें लग रही है क्यों डाल दी इस बे, पहले सब बच्चे एक्सपेंसेस देख लो, जिस जिस चीज पे तुम्हें लगता है कि नहीं जानी चाहिए सर्कल इट, पेंसिल से करना ना कि रेज उठाए। इनकम वाली साइड आ जाओ, देखो कौन सी इनकम तुम्हें ऐसी लगती है जो बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम एम्प्लॉइज ये लगता नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्लॉइज को आप खुद रहने के लिए कुछ जगह दे रहे हो, हमने सैलरी में पढ़ा था, अगर हम उसकी सैलरी से माइनस कर लेते हैं कुछ अमाउंट, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने देखो घर दे दिया रहने के लिए और फिर से रेंट ले लिया थोड़ा सा, तो मेरी बिजनेस इनकम भी नहीं। जैसे पीजीआई में वो मिले होते हैं फ्लैट्स, तो वो अगर 2000 रुपए उनकी सैलरी से काट भी रहे हैं वो उनकी बिजनेस इनकम ही है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज को उन्होंने जगह भी तो दिया रहने के लिए। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने गवर्नमेंट की शेयर्स ले रखे हैं उसके आपको इंटरेस्ट मिले, डिबेंचर्स ले रखे हैं उसमें इंटरेस्ट मिले, बिजनेस की इनकम है क्या, बिजनेस बोलता है डिबेंचर्स के लिए, तो ये अदर सोर्सेस की इनकम, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का तरीका, नेट प्रॉफिट का अमाउंट सबसे पहले नोटबुक्स पे लिखने का,
कितना है 1,39,000। लिखो मैं, डिस्कस कर लेते हैं, कूपे कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। साहिल स्टैंड अप। जनरल एक्सपेंस आना चाहिए पीएनएल में, तो इसको इग्नोर कर दें अभी। ठीक है, अगली आइटम भी आप ही की है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आना चाहिए। हम अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, वेरी गुड, इग्नोर कर दें इसको भी। बैड डेट्स ये भी आने चाहिए, क्योंकि बैड डेट्स बिजनेस नहीं हो रहे हैं, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, सैलरीज 1,65,000 आनी चाहिए भी, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में लिख दिया इन कैश और 22,250 रुपए, मतलब 10,000 से ज्यादा, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब एड बैक। चेक करो सॉल्यूशन में, सबसे पहले उन्होंने क्या एडवर्टीजमेंट को ऐड किया है, फुट स्टार ऑन इट, बिकॉज इट इज मोर देन 10,000 इन कैश। श्रेय समझ आ रहा है? ओके साहिल, नेक्स्ट आइटम, प्रोप्राइटर्स सैलरी। खुद को राजू जी ने सैलरी दे दी, नहीं आएगी, जबकि हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं सोल प्रोप्राइटर को सैलरी मिल सकती है अपना काम करने के लिए, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, अपने आप को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना कोई रेम्यूनरेशन देनी है, ना कोई सैलरी देनी है। अपने आप इसका नोट बना लो कॉपी पे, फटाफट से जल्दी से। Proprietor's own salary interest on capital is disallowed expense according to Income Tax Act 1961. यही नोट्स आपने लिखने हैं क्वेश्चन के नीचे। इस चैप्टर में नोट्स बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 16 से 20, क्योंकि आइटम्स बहुत ज्यादा है। अगर आपने उनको छोटा करना है तो कॉमा डाल 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 के लिख दो। ठीक है, ओके, साहिल मूविंग ऑन। अगली आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्कस हो गया, ये भी डिसअलाउड है, ये भी ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगली आइटम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स। बोलो जी, इनकम टैक्स इज ऑन पर्सनल इनकम। इसकी जर्नल एंट्री बचपन में की थी, ड्रॉइंग्स टू बैंक। अब ड्रॉइंग्स पीएनएल में कभी आती नहीं। कोई भी टैक्स होगा ना, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, पुराना टैक्स, डिसअलाउड। लिख लो नोट्स में, जो नोट्स आप बना रहे हो, ये कौन सा नंबर बनेगा नोट्स का, फटाफट से, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, डिसअलाउड एक्सपेंस, because its nature is personal. चले आगे साहिल भैया, अगली आइटम पढ़ो जी, रेपुटेशन। हाँ जी, इसका मैंने क्या रूल बताया हुआ है, ऊपर वाली और नीचे वाली, नीचे वाली ढूंढो पहले, है भी सही, बिल्कुल है, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द रेट्स कम्स टू ₹2,900। तो ऊपर वाली कितनी थी, 2,000 वाली ऐड कर देना और 2,900 रुपए वाली माइनस। क्लियर? नेक्स्ट आइटम जीएसटी ड्यू, मतलब ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली पे हो जाएगा, तो ये अलाउड है, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम एडवांस, ये हो गया रूल, अभी इनकम टैक्स कोई भी होगा वो डिसअलाउड, तो एडवांस इनकम टैक्स भी डिसअलाउड। समझ आ रहा है विधि? नेक्स्ट आइटम डोनेशंस। हां जी, आपने डोनेशन दे दी 500 रुपए, शुड बी अलाउड और नॉट? वो दिन एडवर्टाइजमेंट से अलग है, डोनेशन का मतलब होता है चैरिटी देना, दान देना। आप गए रोड पे भिखारी को 500 रुपए दे दिए, नहीं आना चाहिए, क्यों? पर्सनल नेचर, इनकम टैक्स बोलता है थ्रू डोनेशन। मैंने कहा था, मैंने को अगर मैंने कहा है
तो मैं अलाउ करूंगा, तो वो अलाउड डोनेशन हम पढ़ेंगे सेमेस्टर नंबर 6 में, ठीक है, इसी हेड के अंदर। जैसे कि COVID-19 रिलीफ फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड, अर्थक्वेक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू रिलीफ फंड, इनके बहुत सारे फंड बने हुए हैं। अगर आप उसमें डोनेट करोगे तब आपको रिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो डोनेशन दिस अलाउड है, इसको एड कर देना वापस। चलो जी नेक्स्ट साहिल, मोटर कार एक्सपेंसेस। अब मोटर कार अगर बिजनेस के यूज के लिए है तो अलाउड है, अगर पर्सनल यूज के लिए है तो डिस अलाउड है। ये पता कैसे चलेगा? एडजस्टमेंट से। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है, 50% ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस फॉर प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज, तो इसका आधा एड बैक कर दे। समझ गए? चलो भी अगली आइटम, म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे करे हैं उन क्वार्टर्स के जो आपने उनको रहने के लिए दिए हैं, तो ये बिजनेस एक्सपेंस ही हुआ, क्योंकि आप उनको रहने के लिए भी दे रहे हो, आप उनको बेनिफिट भी दे रहे हो, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, देयरफॉर इग्नोर। देखो उन्होंने कुछ नहीं किया होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने लेट आउट किए हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है, खत्म। आ जाओ क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले क्या गिवन है, इग्नोर। इस मेथड में ग्रॉस प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रिकवर्ड बट डिसअलाउड अर्लियर, दैट मींस दिस शुड बी डिसअलाउड नाउ आल्सो। जो अर्लियर इनकम टैक्स में डिसअलाउड है वो अब थोड़ी ना अलाउ हो जाएगा, उन्होंने इसको एड कर दिया है, आप क्या कर दोगे? माइनस। चेक करो किया माइनस उन्होंने। Bad debts recovered but disallowed earlier. मिल गया? नाम में ही disallowed आ गया बच्चे, उसकी तो disallowed है, नोट बना लो फटाफट। Bad debts recovered, disallowed earlier, disallowed income. Very interesting chapter, मजा आएगा देखो। चलो साहिल नेक्स्ट आइटम, बच्चे इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपने गवर्नमेंट के डिबेंचर्स खरीदे, उसपे आपको इंटरेस्ट मिला, गवर्नमेंट ने बोला आपके बिजनेस की इनकम है कि नहीं है? नहीं है। कोई भी खरीद सकता है, दुलीप भी खरीद सकते हैं, वो बिजनेस नहीं करते, श्रेय भी खरीद सकता है, वो एम्प्लॉई है कंपनी में, तो वो उसकी बिजनेस इनकम थोड़ी ना हुई, तो इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लिख लो नोट्स में, वो अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली हुई, हम टैक्स भर रहे हैं, दोनों एक्ट्स अलग हैं, यही कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। जब ये क्वेश्चन करने लगो माइंड में याद रखना, हम अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट अदर सोर्सेस। चलो भी साहिल भैया, रेंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉइज इग्नोर, अलाउड है। आपने अपने एम्प्लॉई को रेंट पे रहने की जगह दी, आपने उससे चार्ज किया है, बिल्कुल आपकी बिजनेस इनकम में गई, क्योंकि बिजनेस की प्रमाइसेस है, वो बिजनेस के नाम पे प्रॉपर्टी ली थी आपने वो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डेटर को दिए, अगर आप, अगर मान लो मुझे संदीप ने फीस नहीं पे करी और मैं कहता हूँ आपको 500 रुपए फाइन लगेगा, तो वो 500 रुपए मेरी बिजनेस की इनकम हुई, यस और नो? तो इसको भी क्या कर देंगे, इग्नोर। क्लियर? ओके, नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहती है, साहिल आप बैठ जाओ, विधि आप खड़े रहो। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 4000 पेड एज कंपनसेशन टू एन ओल्ड एम्प्लॉई हुज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। वो कहता हमने जनरल एक्सपेंस में ना 4000 रुपए ऐसे डाल दिए जो हमने एक पुराने एम्प्लॉई को दिए थे जिसको हमने निकाल दिया था कंपनी से, तो क्या ये आना चाहिए पीएनएल में या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए,
आना चाहिए कि वो हमारे बिजनेस की एम्प्लॉय था और वो लिख भी दिया उसने हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट में पे किया। ओके वेरी गुड, तो इसको इग्नोर कर देना है, लिखो अंडरलाइन करके इग्नोर। नेक्स्ट विधि, 2200 रुपए आपने पे करे हैं टू हेल्प अ पुअर स्टूडेंट, किसी गरीब बच्चे की 2200 रुपए से मदद कर दी आपने, आना चाहिए पे हैंडल में या नहीं? नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने डाला हुआ है जनरल एक्सपेंस, क्योंकि ये एक ही लाइन है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 4000 एंड 2200, तो 2200 रुपए जो फालतू में डाल दिए आपने उसमें माइनस कर दिए आपने, अब वापिस क्या कर दोगे? एड बैक, चेक करो किया है, बनाओ उसके स्टार। चलो जी अगली आइटम, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हम कर चुके हैं, नीचे वाली माइनस, जीएसटी वॉज पेड ऑन 1 मई 2022, डेट ऑफ फाइलिंग वॉज 31 जुलाई 2022, मतलब फाइल कर दिया पहले उससे ड्यू डेट से, तो अलाउड, अगर यहाँ डेट उल्टी होती तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 15 नंबर फ्री की हमारी जेब में। विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट, प्लीज रिगार्ड सारे क्वेश्चंस में नए नए पॉइंट्स हैं, बस वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते जाएंगे रोज और चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पढ़ेंगे नहीं कल से इसको, बट दिस इज व्हाट द चैप्टर कंप्राइज। अब इसमें सेकंड चैप्टर का डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, क्योंकि रेट्स नहीं देंगे वो, तो वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ब्लॉक बनाना पड़ेगा, कोई एसेट्स की सेल आ जाएगी, वैरायटी बढ़ती जाएगी, ये तो बेसिक था, होमवर्क मार्क करो। इलस्ट्रेशन 12, 13 एंड 14 ट्राई करके आओ, 12, 13 एंड 14।